Welcome to our channel. So today we are going to start a topic that is Kingdom Fungi. So let's get started. They are abundant in nature. Fungi are abundant in nature. So what is mycology? Mycology का क्या मतलब है? Mycology में हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं. जैसे साइटोलॉजी होता है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही माइकोलॉजी जिसमें हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं. दे आर हेटरोट्रॉफिक. तो जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं. हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक. सो दे कैन बी पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक. Parasitic, they feed on living organisms, okay, and saprophytic, they feed on dead decaying organisms. Example हमारी bread हो गई, रोटी हो गई और अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इन सब पे भी ये मिल जाते हैं. Symbiotic relationship. तो symbiotic relationship का क्या मतलब है? इसका example है Lichen. सिम्बायोटिक का ये मतलब है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक साथ रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसका एग्जांपल है लाइकेन. लाइकेन में क्या होता है? फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं. तो फंगस क्या करता है? फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गल जो होता है, हमारी एल्गी जो होती है, वो रिटर्न में उसको फूड प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो एल्गी होती है वो खाना बना सकती है. ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं. ये है फंगस, ये है एल्गी. ये दोनों जब साथ में एक साथ रहते हैं तो एक हमारा लाइकेन है, लाइकेन बन जाता है. ये है एल्गल की लेयर, ये है फंगस. तो ये इस तरह के कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं पेड़ों पर या फिर किसी भी पत्थर पर या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत जगह ये मिल जाते हैं नॉर्मली. ठीक है, तो जो फंगस होता है, फंगस के पास जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंगस कंपोनेंट, और जो एल्गल के पास कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं एल्गल कंपोनेंट. फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये एग्जांपल है लाइकेन का. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया. उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर वैसे तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है. ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, फंजाई आर फिलामेंटस. ये फिलामेंटस थ्रेड टाइप होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. तो इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग होती है, सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, इसको हम कहते हैं हाइफी. नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज द माइसीलियम. ये दो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हाइफी कहते हैं, जो इसका सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम हाइफी कहते हैं. और बहुत सारा हाइफी मतलब पूरा एक जाल कह सकते हैं, नेट कह सकते हैं, वो होता है माइसीलियम. तो इसको एक बार देख लेते हैं फिर भी. ये हो गया हाइफी और ये जो पूरा एक नेटवर्क है उसको हम कहते हैं माइसीलियम. ठीक है, एक को हम कहेंगे हाइफी और जो ये पूरा जाल है उसको क्या कहेंगे? माइसीलियम. तो अब जो ये हाइफी होता है ये टू टाइप का होता है, सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी. ठीक है, सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी. सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं? सेप्टेट हाइफी होते हैं जिसमें ये है सेप्टेट हाइफी और ये है एसेप्टेट हाइफी. तो इनकी बॉडी में जो ये कट्स हैं ये पूरे में, तो ये है सेप्टेट और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बॉडी एक जैसी है, तो ये है एसेप्टेट. ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है हाइफी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसमें पूरा बंद न्यूक्लियस है वो हमारा सेप्टेट में आ जाएगा। इसमें न्यूक्लियस जो है बंद नहीं है, ये पूरी बॉडी में ऐसे ही मिल जाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन अब कैसे होता है, तो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें फिजन होता है, बडिंग होती है, और जो एसेक्सुअल होता है उसमें बाइस्पोर्स रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम वेजिटेटिव देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बडिंग कैसे होता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन, जब एक फंजाई की बॉडी जो है ऐसे टुकड़ों में टूट जाती है तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंट में हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसके बाद फिजन होता है, जिसमें एक सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं, वो होता है फिजन। उसमें भी और फिजन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग में क्या होता है, एक ही बॉडी में कुछ ऐसी बड निकल आती है और ये फिर जाके बाद में अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये बडिंग के थ्रू ऐसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देख लेते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई स्पोर्स होता है, स्पोर्स के थ्रू जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, मतलब जू स्पोर्स होते हैं और भी स्पोर्स होते हैं, मतलब जो स्पोर्स होते हैं कुछ चल के जाते हैं, कुछ बिना चल के जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं, तो ये 3 टाइप से होता है, आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट, हेटरोगैमीट। आइसोगैमीट क्या होता है, अब आइसोगैमीट में जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। और एनाइसोगैमीट में क्या होता है कि एक माइक्रोगैमीट होता है, एक मैक्रोगैमीट होता है, मतलब एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। एक माइक्रोगैमीट हो गया और एक मैक्रोगैमीट हो गया। उसके बाद हेटरोगैमीट में क्या होता है, एक गैमीट बड़ा होता है और एक छोटा होता है, बट एक जू स्पोर होता है और एक एपेलेंस्पोर होता है। एपेलेंस्पोर होता है मतलब कि एपेलेंस्पोर मतलब जो चल नहीं सकते हैं, और जू स्पोर मतलब जो मूव कर सकता है। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ किंगडम फंजाई, डिवीज़न ऑफ किंगडम फंजाई। अब फंजाई को 4 मेजर डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा फाइकोमाइसिटीज़, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज़, थर्ड है बेसिडोमाइसिटीज़ और फोर्थ है, लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो हैं, इसको भी हमें अब इसको देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फाइकोमाइसिटीज़, ये जो होती है ये एल्गल फंगी होती है, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है एंड ऑन द डिकिंग वुड। ठीक है, माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज़ जो होता है, इसमें माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज़ जो होता है इट इज़ असेप्टिक एंड कोइनोसाइटिक। हाइफी इसमें होता है, एसेप्टेट हमने देखा पीछे, और इसमें कोइनोसाइटिक हाइफी होता है, एक ही टाइप का होता है मतलब कि। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। न्यूट्रिशन जो इसमें होता है वो पैरासाइट और सेप्रोफाइट हो सकता है। एग्जाम्पल इसके एल्ब्यूगो, राइजोपस। एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा राइजोपस और एल्ब्यूगो। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं, तो सेकेंड हमारा एस्कोमाइसिटीज़। दे कैन बी यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट। दे कैन बी मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। न्यूट्रिशन जो होता है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक होता है। माइसीलियम इसमें जो होता है सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉनिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा बेसिडोमाइसिटीज़, ये भी देख लेते हैं। क्लब फंजाई होता है। मशरूम एक मतलब अम्ब्रेला टाइप की इसका स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक सबने ही देखा होगा मशरूम। ठीक है, माइसीलियम जो इसमें होता है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। न्यूट्रिशन जो इसमें होता है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक होता है। डू नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे हैव टू सोमैटिक सेल्स, रिप्रोड्यूस के लिए इतने के बाद दो सोमैटिक सेल्स होती हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये इम्परफेक्ट फंगी होती हैं, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली। माइसीलियम इसमें सेप्टेड और ब्रांच्ड होता है। न्यूट्रिशन पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के जो फंगी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं।